तो दोस्तों आज के मुकाबले की शुरुआत की हम बात करें तो टॉस जीता सचिन तेंदुलकर ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। भारतीय लेजेंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे नमन ओझा तो उनके साथ थे कप्तान सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को एक बार फिर खेलते हुए सभी खुश थे। दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी शानदार शुरुआत भी की टीम इंडिया के लिए। शुरुआती ओवरों में ही दोनों बल्लेबाज काफ़ी संभल कर शुरुआत कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर एक बार फिर अपने उसी पुराने रूप में नजर आ रहे थे। आज के मुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत काफ़ी शानदार हुई जब दोनों बल्लेबाजों के लिए पहले विकेट के लिए 46 रनों की पार्टनरशिप हुई। हालांकि इसके बाद सचिन तेंदुलकर एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 15 गेंदों पर शानदार 16 रनों की पारी खेली। उनका कैच बोथा ने लिया जबकि एंटनी ने उन्हें पेवेलियन की राह दिखाई और टीम इंडिया को पहला झटका 46 रनों के स्कोर पर लगा। इसके बाद टीम इंडिया ने पावर प्ले में एक विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद पावर प्ले के जैसे ही खत्म हुआ इसकी अगली ही गेंद पर नमन ओझा के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा। सुरेश रैना और इन दोनों को बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी लेकिन नमन ओझा एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया 52 रनों के स्कोर पर ही। और भारतीय टीम यहां से थोड़ी संकट में जरूर पहुंच चुकी थी क्योंकि दो लगातार विकेट टीम इंडिया ने गंवा दिए थे। लेकिन दोनों ओपनरों के पेवेलियन लौटने के बाद भारतीय टीम की कमान एक बार फिर हाथ में थी सुरेश रैना और स्टुअर्ट बिन्नी के। स्टुअर्ट बिन्नी को आज नंबर 4 पर भेजा गया क्योंकि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड का यहाँ पर कम्बिनेशन बिठाने के चलते नमन ओझा के आउट होने के बाद उनको क्रीज पर भेजा गया और स्टुअर्ट बिन्नी ने अपनी शानदार फॉर्म दिखाई। तो वहीं पर सुरेश रैना सभी प्रारूपों में संन्यास के बाद पहली बार डेब्यू कर रहे थे इस रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में और आज उनकी शुरुआत भी कमाल की रही। सुरेश रैना के बल्ले से ही इस सीरीज का आज का पहला छक्का देखने को मिला या फिर कहें तो इस सीजन का पहला छक्का सुरेश रैना के बल्ले से निकला। सुरेश रैना ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू की तो वहीं पर संभल कर बल्लेबाजी करते हुए आए स्टुअर्ट बिन्नी। लेकिन इसके बाद जैसे ही आंखें जमी तो स्टुअर्ट बिन्नी ने एक ही ओवर में 2 छक्के लगाकर धमाकेदार आगाज किया। तो वहीं पर सुरेश रैना के बल्ले भी 4 चौके और एक शानदार छक्का देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन 50 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति से उबार कर एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज काफी आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी तभी टीम इंडिया ने यहां पर 13वें ओवर में अपना एक और विकेट गंवाया सुरेश रैना के रूप में। सुरेश रैना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि वो जब आउट हुए तो यहां पर बाउंड्री से गेंद ज्यादा दूर नहीं थी लेकिन बाउंड्री लाइन पर अपना कैच थमा बैठे और टीम इंडिया को 3रा झटका लगा। सुरेश रैना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली। सुरेश रैना के बल्ले से शानदार 4 चौके और एक छक्का देखने को मिला। सुरेश रैना ने 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए लेकिन जब वो आउट हुए तो टीम इंडिया का स्कोर बेहतरीन 116 रन हो चुका था 13वें ओवर में ही। और इसके बाद दोस्तों यहां पर सुरेश रैना के आउट होने के बाद टीम इंडिया के लिए क्रीज पर उतरे एक और दिग्गज बल्लेबाज। उस दिग्गज बल्लेबाज का नाम था युवराज सिंह। लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले में युवराज सिंह का बल्ला उतना नहीं चला। उम्मीद थी कि एक बार फिर अपने उसी पुराने अंदाज में युवराज सिंह दिखेंगे लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो भी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर अपना कैच थमा बैठे। युवराज सिंह के स्कोर की हम बात करें तो आज के मुकाबले में उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया लेकिन वो सिर्फ 6 ही रन बना पाए। वेन डेर वेथ ने उन्हें पेवेलियन की राह दिखाई और टीम इंडिया को 4था झटका लगा 129 रनों के स्कोर पर। लेकिन दोस्तों युवराज के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे यूसुफ पठान जिन्होंने स्टुअर्ट बिन्नी के साथ मिलकर इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट दिया। शानदार बल्लेबाजी करे स्टुअर्ट बिन्नी ने अपना अर्धशतक पूरा किया लेकिन अर्धशतक के बाद उनके बल्ले से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आज के मुकाबले में 6 बड़े छक्के जड़े जबकि यूसुफ पठान ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के लगाए। हम बात करें स्टुअर्ट बिन्नी की तो उन्होंने 42 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 82 रन बनाए 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से। उनकी स्ट्राइक रेट 195.24 की रही जबकि यूसुफ पठान ने 15 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 1 चौका और 4 शानदार छक्के देखने को मिले। इनकी स्ट्राइक रेट की हम बात करें तो इनकी स्ट्राइक रेट 233 की रही जबकि दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी की हम बात करें तो शानदार 88 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई मात्र 33 गेंदों पर जिसके चलते टीम इंडिया ने विशाल स्कोर खड़ा किया 217 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका लेजेंड टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे
पुटिक और वेन वाइक दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर टीम को शुरुआत तो काफ़ी शानदार दिलाई। दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की और शुरुआती झटकों से साउथ अफ्रीका लेजेंड टीम को बचाया। लेकिन दोस्तों दोनों बल्लेबाजों की हम बात करें तो इन्होंने पावर प्ले में थोड़ी धीमी बल्लेबाजी की जिसका खामियाजा भी इस टीम को भुगतना पड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहला विकेट 43 रनों के स्कोर पर गंवाया मोर ने वेन वाइक के रूप में साउथ अफ्रीका लेजेंड ने। इन्होंने पावर प्ले की आखिरी गेंद पर अपना विकेट गंवाया। उनको पेवलियन की राह दिखाई राहुल शर्मा ने। शानदार गेंदबाजी करते हुए राहुल शर्मा ने वेन वाइक को LBW आउट किया। उन्होंने 24 गेंदों पर शानदार 26 रनों की पारी खेली। उनके बल्ले से 4 चौके और 1 छक्का देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों पीटरसन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन एलोरा पीटरसन के पहले एंड्रू पुटक शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो पेवलियन लौट गए। पुटक की हम बात करें तो उन्होंने भी 24 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके जरूर निकले, लेकिन प्रज्ञान ओझा ने उन्हें आउट करके भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई और 58 के स्कोर पर दूसरा विकेट एंड्रू पुटिक के रूप में गिरा। इसके बाद तीसरे विकेट के रूप में एलोवेरा पीटरसन आउट हुए, जो कि 77 रनों के स्कोर पर आउट हुए। एलोवेरा पीटरसन आज के मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 9 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेवलियन लौट गए। उनके बल्ले से सिर्फ एक ही छक्का देखने को मिला और वो प्रज्ञान ओझा का शिकार बने। इसके बाद रुडोल्फ को एक बार फिर पेवलियन की राह दिखाई राहुल शर्मा ने, तो वहीं पर हेनरी डेविड्स को आउट किया युवराज सिंह ने और टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 95 रनों तक 5 सफलताएँ प्राप्त कर ली थी साउथ अफ्रीका की टीम की। लेकिन इसके बाद भी साउथ अफ्रीका के विकेट लगातार गिरते रहे। जोहान बोता 106 रनों के स्कोर पर, तो वहीं पर जोहान वेंडरवेथ 111 रनों के स्कोर पर पेवलियन लौटे। इसके बाद एडी लिली भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 124 रनों के स्कोर पर आउट हुए, जबकि मकाया एंटनी 142 रनों के स्कोर पर आउट हुए। लेकिन टीम के लिए सबसे बेहतरीन पारी कप्तान ने खेली, जिन्होंने 27 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली नाबाद, जिसके चलते टीम ने 156 रन बनाए। लेकिन टीम इंडिया लेजेंड्स ने इस मुकाबले को 61 रनों से जीतकर वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज का धमाकेदार आगाज कर दिया है और पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का हीरो कौन सा बल्लेबाज व कौन सा गेंदबाज रहा है, क्योंकि गेंदबाजी में टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट राहुल शर्मा ने 3 लिए हैं, तो वहीं पर मुनाब पटेल और प्रज्ञान ओझा ने 2-2 विकेट लिए हैं। आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।